स्वागत तो करो हमारा। कृष्णा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि कोई मरता नहीं। आत्मा एनर्जी सिर्फ शरीर बदलते, पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो देखो कृष्ण, मैं तुम में जिंदा हो रहा हूं। अरे यार, यहाँ पर भी नहीं है तीनों। अब तक घर आए नहीं क्या घूमकर? मुझे तो अब टेंशन होने लग गई है। सरप्राइज कौन? हैरान हो गया ना मुझे देखकर। मुझे ये भी पता चल गया होगा कि तेरे तीनों भाई अपने घर से गायब है। पता है कहाँ पर है वो? देखना चाहेगा तो देख। अबे यार, मैं किधर आ गया? इस क्रिश के बच्चे ने मुझे किधर भेज दिया? तू कौन है? इस जगह का मालिक थैनोस। इसका मतलब तूने ही नहीं एलियंस को भेजा था? हाँ, मैंने भेजा था। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे गिरते हुए देख लिया था और क्या तेरे पास कमाल की शक्तियाँ हैं। वो तो मैं जानता हूँ, पर तू भी कम नहीं लग रहा। चल तू भी अपनी शक्ति का एक कमाल दिखा दे। क्यों नहीं? शक्ति तो बहुत बढ़िया। चल अब तू एक काम कर, अपनी शक्ति मेरे हवाले कर दे। अच्छा, तेरे हवाले कर दूं अपनी शक्ति? अबे सुन, यहाँ के सारे एलियंस ना अपने मालिक की उंगलियों में नाचते हैं, मतलब मेरे। मैं तेरी को सुनूं? तू मालिक था, अब इस जगह का लौटा मालिक मैं हूँ। ज्यादा सपने मत ले, क्योंकि ज्यादा सपने तेरे सेहत के लिए अच्छे नहीं होंगे। तुझे क्या पता मेरे सपने कितने बड़े हैं? वैसे आया कहाँ से है तू? धरती से। चल वहीं पर ही भेज देता हूँ तुझे। भेजना तो तुझे पड़ेगा, उससे पहले तेरी शक्ति तो ले लूँ। मेरी
हिम्मत कैसे हुई मेरी शक्ति लेने की? वापिस कर मेरी शक्ति। शक्ति तो मैंने ले ली है, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है ना, मेरा एक काम कर। क्या बोस? पहली बात, मेरे को यहाँ से निकलने का रास्ता बता, और दूसरी बात, एलियंस को यहाँ पर बुला और उनको बोल तुम्हारा हाथ से मालिक काल है, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। जैसा हुकुम बॉस। आ रहा हूँ मैं तेरे धरती में इंसानियत को मिटाने, इससे पहले तेरे भाइयों को खत्म करूंगा। आ रहा हूँ मैं क्रिश। यो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस आज तो मौसम है बड़ा बेकार, पता नहीं गाइस आज ना मौसम में भी ना नेगेटिविटी फैली हुई है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। अरे कॉलवे यारा, आ गया तू, क्या हालचाल है तेरे? अब तक तो बढ़िया है भाई। अरे फ्रेहल भैया, सब ठीक तो है ना? आज आपको इतना मूड क्यों ऑफ है? पता नहीं यार, अरे इतना डर सा बैठा हुआ है। अरे भैया क्या हो गया, सुबह सुबह कौन सा डर बैठ गया? चलो छोड़ो, तुम दोनों को मार घुमा कर आओ। अरे कॉलर सिंचाना सही कह रहा है, चल घूम कर आते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तू डर भी भूल जाएगा। चल ठीक है भाई, चलते हैं। कहाँ पर जा रहे हो तुम तीनों? घूमने जा रहे हैं। अच्छा घूमने जा रहे हो, चलो जाओ अच्छे से घूम कर आना। अरे आप भी आ जाओ ना साथ, बहुत मजा आएगा। सही कह रहा है चौप, आ जाओ ना कृष्णा, बहुत मजा आएगा। मजा तो बहुत आएगा, चल ठीक है चलते हैं। एक मिनट। हेलो हेलो कृष्णा। हाँ कृपाल बोल। अरे तुझे पता है मेरे पास अभी किसका फोन आया था? किसका? सिक्योरिटी एजेंसी के मैनेजर का फोन आया था। क्या कह रहे थे? उन्होंने हम दोनों को दोबारा नौकरी का ऑफर दिया है। सही में? अरे हाँ यार, उन्होंने अभी ऑफिस भी बुलाया, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, उसके बाद हम कल से ऑफिस रीजॉइन कर सकते हैं। चल ठीक है मैं आता हूँ, तू ऑफिस पहुँच। ओके आ जा फटाफट। क्या हुआ कृष्णा, आपको क्या दोबारा से नौकरी मिल गई क्या? सही समझ रहा है। तो क्या आप अभी ऑफिस जा रहे हो? हाँ मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी घूमने चलूंगा। पक्का? पक्का। ठीक है फिर आप जाओ। हाँ मैं जाता हूँ। और तुम वापस कब आओगे? 2 घंटे में। चल ठीक है, मैं भी 2 घंटे तक ही आ पाऊंगा। ओके बाय बाय। Two thousand years later. अरे यार 3 घंटे लेट हो गया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। हम ना छोड़ने वाले हैं मुझे तीनों भाई। अबे अभी ये कहाँ पर है तीनों? ये पर तो होते हैं, लगता है सो गए होंगे थक कर, जाकर देखता हूँ मैं। अबे यहाँ पर भी नहीं है तीनों। अबे कहाँ है ये? रुको रुको, ऊपर टीवी ना देख रहे हो? ऊपर जाकर मैं देखता हूँ। अरे यार यहाँ पर भी नहीं है तीनों, अब तक घर आए नहीं क्या घूमकर? मुझे तो अब टेंशन होने लग गई है। सरप्राइज। कौन? हैरान हो गया ना मुझे देखकर। मुझे ये भी पता चल गया होगा कि तेरे तीनों भाई अपने घर से गायब है। पता है कहाँ पर है वो? देखना चाहेगा तो देख। अगर इनकी जान बचाना चाहता है तो आजा जंग के मैदान में, इस पिक्चर को अच्छे से देख ले और समझ ले। इस जगह में ही मैंने तेरे तीनों भाइयों को कैद कर रखा है, सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास, वरना तू जानता मेरा अगला कदम कौन सा होगा। आज तो कृष के जीने का आखिरी दिन है, क्योंकि अब तो मैं कृष को इस तरह मारूंगा कि वो सोचेगा कि मैं इस दुनिया में पैदा हुआ ही क्यों। ओ काल, जैसे कृष ने तुझे पिछले बार भी हराया था ना, वो इस बार भी तुझे हरा देंगे। काल ना पहले हरा था ना इस बार हारेगा, उसने मुझे सिर्फ 2 घंटे से मारा था एक अजीब से इलेक्ट्रिक पेन से, पर उसको क्या पता काल मरा ही नहीं था, मैं सिर्फ एक अजीब से प्लेनेट में पहुंच गया था, मगर अब मैं वापस लौट आया हूँ। अरे ओ काल, कृष को आने तो दे, तभी तो पता चलेगा इसमें है कितना दम। क्यों नहीं कुत्ते, उससे पहले इन एलियंस से तो निपट ले वो। जाओ तुम वहाँ पर पहरा दो, अगर कृष आया तो उसको खत्म कर इधर लेकर आओ। वो आएगा, वो जरूर आएगा और हमारी जान बचाएगा।
ज्यादा बकवास मत कर, तेरे भाई के बाद नेक्स्ट नंबर तुम्हारा ही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो खुद मर जाएंगे पर हमें कुछ नहीं होने देंगे। मेरा दिल कह रहा है हमारा भाई हमें बचाने आ गया। सच में हाँ आ गई तेरी मौत। तूने मेरे भाइयों को किडनैप करने की हिम्मत कैसी की? आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कृष्णा, तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि कोई मरता नहीं। आत्मा एनर्जी सिर्फ शरीर बदलते, पुरानी जिंदगी नई जिंदगी बनकर वापस आती है। देखो देखो कृष्ण, मैं तुम्हें जिंदा हो रहा हूं।